dear friends, welcome to Speedy Padhai. Today we are going to see the part 2 video of nutrition in plant. If you have not seen the part 1 video of nutrition in plant, then the link is given in the description box or you can see in playlist. Plant which do not have chlorophyll, they do not make their own food. तो वो सर्वाइव कैसे होंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा, उनको फूड कैसे मिलेगा, चलो देख लेते हैं. अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें क्या होता है, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सम प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट. जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं. किस चीज के लिए, फॉर फूड. दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कुछ प्लांट ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं फॉर द फूड. पैरासाइट, प्लांट्स लाइक कैस्कटा आर पैरासाइट. जो प्लांट कैस्कटा है वो पैरासाइट होता है. दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट. ये जो होता है ना कैस्कटा या जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करता है, फूड जो होता है होस्ट प्लांट से लेता है. चलो अब ये देख लेते हैं पैरासाइट में क्या होता है. जैसे कैस्कटा एग्जांपल ले लेते हैं, तो कैस्कटा कौन सा कलर का होता है, येलो, येलो वायर, येलो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है क्योंकि ये येलो कलर का होता है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. तो वो दिस ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कोई पेड़ पे कैसे एकदम येलो कलर का पूरा लगा हुआ रहता है, ऐसे 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 पूरा ढक लिया होता है. सो देखा होगा ना कोई पेड़ पे जो येलो कलर का येलो ब्रांच स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे पूरा ढक ही लेता है. वो क्या करता है, वो पेड़ पे, जिस पेड़ पे वो क्लाइम करता है, कौन, पैरासाइट. कैस्कटा ले लो, अब एग्जांपल कैस्कटा का देख लेते हैं. कैस्कटा जिस प्लांट पे क्लाइम करते हैं, जिस प्लांट को पे क्लाइम करते हैं उसको होस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं. जिस प्लांट पे पैरासाइट या कैस्कटा क्लाइम करते हैं उसको होस्ट कहते हैं. अरे कैस्कटा जो होता है वो येलो वायर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जो पूरा पेड़ पे क्लाइंब हो जाता है और सब जगह फैल जाता है, ठीक है. और जिस पेड़ पे वो क्लाइंब होता है उसको होस्ट कहते हैं. इसी होस्ट से ये जो है ना कैस्कटा पूरा फूड लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, रेडीमेड फूड लेता है. किससे, होस्ट से. देखो ये जो है कैस्कटा जो है टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट. जिस पे ये क्लाइम कर रहा है कैस्कटा, जिस पे क्लाइम कर रहा है, जिस पेड़ पे क्लाइम कर रहा है उसको होस्ट कह रहे हैं. देखो ये पेड़ को होस्ट बोला. ये जो है ये जो येलो कलर, ये येलो कलर का होता है कैस्कटा, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट, मतलब कैस्कटा. कैस्कटा इज येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर. येलो और कैस्कटा में क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट. होस्ट से ये खाना लेता है, होस्ट से ये न्यूट्रिएंट्स लेता है, कौन, कैस्कटा. चलो आप देख लेते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट. अब इंसेक्टिवरस प्लांट क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे हैं ना जो इंसेक्ट खाते हैं, है ना कितना एक्साइटिंग. कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इंसेक्ट खाते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. चलो देख लेते हैं, द स्पीशीज ऑफ प्लांट विच आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग इंसेक्ट एंड डाइजेस्टिंग देम. कुछ ऐसे प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उस प्लांट को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं. ये देखो ये पिचर प्लांट का एग्जांपल देख लेते हैं. ये देखो ये जग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको पिचर कहते हैं, जग लाइक. ये लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है, लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है, पिचर की तरह दिखता है. पिचर मतलब जग की तरह दिखता है, पिचर. अब हम पिचर प्लांट देख लेते हैं क्या इसमें होता है. देखो ये इंसेक्ट है, ये देखो इंसेक्ट, इंसेक्ट लैंड ऑन पिचर. इंसेक्ट जो है इस पे लैंड होगा तो क्या होगा, इंसेक्ट इस पे आएगा तो क्या होगा, ये जो लीड है ना, लीड क्लोज, ये क्लोज हो जाएगा. इंसेक्ट इस पे आया, इंसेक्ट आ गया इस पे तो ये क्लोज कर लेगा, क्लोज कर लिया, फिर क्या होगा, इंसेक्ट ट्रैप, इंसेक्ट फंस गया, ठीक है. इंसेक्ट गेट एंटैंगल्ड इनटू द हेयर.
ये जो पीछे प्लांट होता है उसके अंदर हेयर होता है, ठीक है, हेयर होता है। तो क्या होता है, हेयर में जाके ये और ज्यादा इंसेक्ट जो होता है फंस जाता है। फिर क्या होता है, इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन पिचर। पिचर में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस जो होता है सिक्रीट होता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है। कौन, इंसेक्ट जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है कहां पे, पिचर प्लांट में। और न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया किसने, पिचर प्लांट ने। ये देखो में क्या होता है, देखो इंसेक्ट इस पे लैंड किया पिचर प्लांट पे, ये कवर लिड, लिड जो है वो कवर हो गया, लिड जो है वो क्लोज हो गया। फिर क्या हुआ, इंसेक्ट अंदर गया और ये जो है हेयर के अंदर फंस गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये पिचर प्लांट जो है वो सिक्रीट करता है क्या, डाइजेस्टिव जूसेस। फिर ये डाइजेस्ट हो जाता है क्या, इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है कहां, पिचर प्लांट में। और जो जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। यही है इंसेक्टिवोरस प्लांट, यही क्या है, पिचर प्लांट। अब हम दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेड एंड डीकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेता हो, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डीकेइंग मैटर से लेता हो, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। है ना कितना आसान, सेप्रोट्रॉप। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। उस ऑर्गेनिज्म को क्या हम कहेंगे, सेप्रोट्रॉप कहेंगे। एग्जाम्पल, फंगाई। इसमें क्या, आप ये डे टू डे लाइफ में देखते होंगे, जैसे कि ब्रेड हो गया, ब्रेड यदि दो तीन दिन तक आप ऐसे छोड़ दोगे एटमॉस्फेयर में, रख दो, तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद, दो तीन दिन बाद आप जब ब्रेड को देखोगे तो उसमें व्हाइट कलर का या फिर ग्रीन कलर का बोल सकते हो पैचेस आ जाता है। तो वो क्या होता है, वही फंगाई होता है, वो ब्रेड से न्यूट्रिशन ले लेता है, कौन, फंगाई, ठीक है। और जैसे कि रेनी सीजन में आप देखे होंगे वुड पे या फिर सॉइल पे क्या ये अम्ब्रेला शेप जैसा होता है व्हाइट कलर का, ये भी क्या है, ये भी एक सेप्रोट्रॉप है, ठीक है, मशरूम हो गया। अब हम देख लेते हैं सिम्बायोसिस। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस में क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो शेयर करे, जो साथ में रहे, और क्या शेयर करे, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स शेयर करे, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। और ये जो रहता है ये साथ में रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, लाइकन। लाइकन में क्या होता है, एल्गी एंड फंगस जो होता है वो साथ में रहता है। एल्गी क्या होता है, एल्गी में क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना खुद बनाता है, प्रिपेयर फूड एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और फंगस क्या होता है, फंगस जो होता है प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी। फंगस जो है ये शेल्टर वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है किसको, एल्गी को। और एल्गी जो है वो क्या, फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। इस तरीके से ये दोनों साथ में रहते हैं और क्या करते हैं, शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, शेल्टर शेयर करते हैं। एल्गी में क्लोरोफिल होता है, ये अपना ये फूड प्रिपेयर करता है और ये फंगस को फूड देता है, प्रोवाइड फूड टू फंगस। और फंगस में क्या होता है, फंगस क्या करता है, ये जो होता है प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है किसको, एल्गी को। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल देख लेते हैं। से ए राइजोबियम एक बैक्टीरिया है और लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट में ये बैक्टीरिया रहता है। ये क्या करता है, राइजोबियम जो एक बैक्टीरिया है ये एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, ठीक है, और वो क्या करता है, सोल्यूबल फॉर्म में या फिर यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है।
है ना कितना आसान। और ये नाइट्रोजन जो यूजेबल फॉर्म और जो सोल्यूबल फॉर्म में है वो प्लांट को प्रोवाइड करता है, बट ये जो राइजोबियम है ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो क्या करता है ये लेग्यूमिनस प्लांट जो है इसको राइजोबियम को क्या देता है, फूड देता है, शेल्टर देता है। चलो देख लेते हैं राइजोबियम। इट टेक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म एंड प्रोवाइड टू प्लांट, है ना, अभी यही समझा है। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूजेबल फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में, और क्या करता है प्लांट को प्रोवाइड करता है, देता है। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, किसको, प्लांट को देता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहां होता है, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। ये लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, किसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को। तो ये दोनों साथ में क्या किया, साथ में शेयर किया क्या, न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर, साथ में ये लोग शेयर किए, साथ रह रहे हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहते हैं। अब लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे पल्सेस, जो दाल हुआ उसमें ग्राम हो गया, पीज हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, ये सब एग्जांपल है लेग्यूमिनस प्लांट का। और ये था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इससे क्या होगा, अपना जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन भी मिल गया, है ना, और इससे हम फर्टिलाइजर का यूज हम कम कर रहे हैं, है कि नहीं, इससे हमारा फर्टिलाइजर कम यूज हो रहा है। हेयर वी कंप्लीटेड आवर न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज योर वन सब्सक्राइब विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज। थैंक यू।